एक बड़ी खबर नेपाल के लिए निकलकर सामने आई है। खबर है नेपाल में हुए सिस्मिक सर्वे की, जो कि कंडक्ट कराया गया था नेपाल के दैलेक डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, यानी कि पेट्रोल और नेचुरल गैसेस को सर्च करने के लिए, जिसमें रिजल्ट पॉजिटिव दिखा है। और इस सिस्मिक सर्वे में पेट्रोलियम और गैस पदार्थ पाए जाने की खबर आई है। आपको बता दें कि ये सर्वे कंडक्ट कराया गया है नेपाल और चाइनीज गवर्नमेंट के एग्रीमेंट पर, और ये प्रूफ किया है चाइनीज टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने जो कि इन्वॉल्व हुए थे इसकी एक्सप्लोरेशन में नेपाल में। और इसकी रिपोर्ट को नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ माइन और जियोलॉजी को भेज दिया गया है। जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से सुधीर ने इन्फॉर्म किया है कि चाइनीज टीम ने एक सर्वे किया है, जिसमें चाइनीज टीम ने इस डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोलियम पदार्थ होने की पुष्टि की है, लेकिन अभी फाइनल सर्वे कंडक्ट कराए जाने बाकी हैं, जिससे कितनी मात्रा में पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और कितनी बड़ी लोकेशन में है, साथ ही साथ कहां पर है, ये करेक्ट तौर पर पता चल पाएगा। और साथ ही ये भी पता चल पाएगा कि क्या ये इतनी ज्यादा मात्रा में है कि इसे निकाला जाए या फिर नहीं। इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी भी कोई भी टीम सेंड नहीं की है, क्योंकि COVID-19 पैंडेमिक के चलते। और चाइना की एक्सपर्ट टीम अभी वेट कर रही परमिशन मिलने की, जो कि नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री से मिलना है। आपको बता दें कि इस जगह के चार जगह पे जो सर्वे हुए हैं, वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए गए हैं, जो कि चाइनीज टीम ने बताए हैं। और साथ ही और जगह भी एक्सप्लोरेशन की जा रही है, जिसको तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं कि दैलेक में ऐसा सर्वे किया गया है। आज से 10 साल पहले भी यहाँ पर एक्सप्लोरेशन किए गए थे पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाने के लिए, उसमें भी कई जगह पॉजिटिव रिजल्ट आए थे, बट वहां से ये रिजल्ट नहीं आए थे, यानी ये पेट्रोलियम पदार्थ निकालने भर के रिजल्ट नहीं आए थे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने उस एग्रीमेंट को स्क्रैप कर दिया था, और अब ये एग्रीमेंट चाइना के साथ किया गया है। आपको बता दें कि नेपाल की डिपार्टमेंट ऑफ माइन और जियोलॉजी करीबन 7.2 मिलियन पैसे खर्चा कर रही है इस एक्सप्लोरेशन में, जिससे पता चल सके कि नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थ कहां पर है और क्या हम निकाल सकते हैं उसको, इतनी बड़ी क्वांटिटी में है या नहीं। और अगर ये मिलता है तो नेपाल की पेट्रोल डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं और देशों पर कम हो जाएगी, जो कि नेपाल के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ होगी। तो ये इसीलिए एक बड़ी खबर है। कैसी लगी आपको खबर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।